तो चलो कहानी को शुरू करते हैं यह बहुत समय पहले की कहानी है एक राजा था जिनका नाम था राजा मंगलसेन राजा मंगलसेन बहुत बुद्धिवान और दयालु थे राजा मंगलसेन के दरबार में जगत राम नाम के एक मंत्री थे मंत्री जगत राम बहुत गुणवान थे राजा मंगलसेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की मंत्री जगत राम अब बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त राजकीय कारभार से मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा आप पहले अपने जैसे सेवा भावी परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कीजिए तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है तो राजा मंगलसेन ने कहा आप अपने जैसे किसी गुणवान व्यक्ति की खोज करके उसे अपने पद पर स्थान दे और तभी आपको सेवा मुक्त यानी सभी मंत्री पद के कार्यों से मुक्त किया जा सकता है मंत्री जगत राम सेवा भावी राजा की राज्य की सेवा करने वाले परोपकारी यानी भलाई करने वाले ईमानदार यानी नेक थे। उन्हें अपने जैसे किसी नेक को मंत्री पद के लिए चुनना था जगत राम ने आदेश दिया राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा इस पद के इच्छुक ग्यारह बजे दरबार में पहुंचे मंत्री जगत राम ने हरकारे हरकारे यानी संदेश पहुंचाने वाले लोग मंत्री जगत राम ने हरकारों को बुलवाकर बोला कि पूरे राज्य में डिंडोरा पिटवा दो कि अगले गुरुवार को नए मंत्री का चयन होगा चयन मतलब चुनने की प्रक्रिया अगले गुरुवार को नया मंत्री चुना जाएगा तो सभी इच्छुक मंत्री पद की इच्छा करने वाले गुणवान सभी सुबह ग्यारह बजे राज दरबार में पहुंचे सरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे चयन वाले दिन यानी गुरुवार को भारी संख्या में युवक नौजवान राजदरबार की ओर आने लगे इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के की किनारे कीचड़ में फंस गया था वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा राजदरबार जाने वाले सड़क पर एक वृद्ध एक बूढ़ा आदमी उदास सा बैठा था उस बूढ़े आदमी की बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था बहुत कोशिश के बाद भी वे उस पहिए को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की मंत्री पद के चुनाव के लिए आए हुए सभी नौजवानों ने उन हताश परेशान बूढ़े आदमी को देखा पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था उसी समय बैलगाड़ी वाला रिद एक बार फिर से पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था उसी भीड़ में एक नौजवान था जिसका नाम था कर्मवीर कर्मवीर एक गरीब परिवार से था वो प्रतिभाशाली था गुणवान था राज दरबार जाते समय कर्मवीर ने उस बूढ़े आदमी को कीचड़ से पहिया बाहर निकालने की कोशिश में देखा यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा जो लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला कर्मवीर किसी की भी चिंता न करते हुए उस कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उस बैलगाड़ी के पहिए को बाहर निकाला कीचड़ में उतरने से उसके सारे कपड़े मेले हो गए थे वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया उस बूढ़े आदमी ने कर्मवीर को धन्यवाद कहा और उसे आशीर्वाद दिया इनाम के तौर पर पूरे आदमी ने कुछ पैसे देने चाहे पर गुणवान कर्मवीर ने पैसे देने से मना कर दिया देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा वह हाफ रहा था उसके कपड़े कीचड़ से सने थे बहुत समय निकल चुका था उसी हालात में भागते दौड़ते कर्मवीर राजदरबार पहुंचा उसके कीचड़ से भरे गंदे कपड़े देख सभी राजदरबारी उम्मीदवार उस पर हंसने लगे सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा जिस बूढ़े व्यक्ति को कीचड़ में से बैलगाड़ी का पहिया निकालकर कर्मवीर ने मदद की थी वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत्राम थे प्रतिभाशाली गुणवान मंत्री पद के लायक व्यक्ति की खोज करने के लिए उन्होंने वो स्वांग रचा था उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई फिर जगत्राम ने राजा से कहा महाराज कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे कर्मवीर में वो सारे गुण थे जो मंत्री पद के लिए आवश्यक थे और उन्हीं गुणों के कारण कर्मवीर राज्य का नया मंत्री चुना गया इसी प्रकार मंत्री जगतराम ने योग्य चुनाव करके कर्मवीर को नया मंत्री घोषित कर दिया तो ये था हमारा आज का पाठ योग्य चुनाव नाउ क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन बिलो To subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.